नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में मॉनसून ने एंट्री मार दी है, जिसके बाद से ही बिहार के कई जिलों में बारिश का असर भी देखने को मिलने लगा है। इसी बीच जिस बात का डर था, अब वो भी सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाढ़ के खौफ में बैठा बिहार अब बाढ़ की चपेट में फिर से आने के मुहाने पर खड़ा है। और ऐसा दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नदियों में उफान चिंता बढ़ा रही है। बिहार में मॉनसून की दस्तक होते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने के कारण सूबे की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कोसी नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला, गंडक और बागमती नदियां भी अलर्ट लेवल पर काम कर रही है। आलम कुछ यूं है कि बारिश का सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा और अगले 24 घंटे के अंदर नेपाल में बारिश नहीं थमी, तो ये बागमती और गंडक का जल स्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में, वहीं कमला मधुबनी में खतरनाक ढंग से बह रही है। नदियों के जल स्तर को बढ़ता देख जल संसाधन विभाग भी अब अलर्ट मोड में काम करने लगा है। इसको लेकर विभाग ने अपने इंजीनियरों को अलर्ट कर दिया है और तटीय इलाकों की चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल के तराई इलाकों के साथ साथ उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 72 घंटे से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ही नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कोसी नदी सोमवार को सुपौल में खतरे के निशान को पार कर गई। इसका जल स्तर अब खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। सहरसा के बलुआ बाजार, ब्रिज और डुमरी से भी कोसी का जल स्तर लाल निशान के पास पहुंचने वाला है। इसी तरह कमला बलान जयनगर और झंझारपुर, जबकि गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में लाल निशान की तरफ बढ़ रही है। बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा का जल स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। वहीं बागमती, अधवारा, सीतामढ़ी और शिवहर में, घाघरा नदी सिवान और सारण में, खरोई, दरभंगा में लगातार उफान पर जा रही है। कोसी नदी खगड़िया में भी तेजी से ऊपर जा रही है। पिछले साल मॉनसून शुरू होते ही गंडक ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद कोसी नदी ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात बना दिए थे। वहीं बाढ़ को लेकर बिहार में तैयारियों का सिलसिला भी तेज है। उत्तर बिहार में बाढ़ की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में अभी से बाढ़ और बाढ़ के बाद होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को बुधवार को बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उपाय सुझाते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलों को निर्देश है कि अभी से नाव की व्यवस्था कर ले, ताकि नौका औषधालय बनाए जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।